कुलदीप कुमार शर्मा, लीडिंग फायरमैन, फायर स्टेशन सरसा। दीपावली की तैयारियां जैसे हर साल हम करते हैं उसी हिसाब से हैं, जो भी प्रशासनिक आदेश भी होते हैं और हम अपने लेवल पे भी जो है ना पूरी ड्यूटी 12-12 घंटे स्टाफ को लगा दिया गया है और टोटल 11 फायर गाड़ियां हैं और 59 का टोटल स्टाफ सरसा में है, जिसमें से 9 आदमी रेगुलर हैं और 50 कच्चे हैं, मतलब पेरोल या कौशल मिला। सर जहाँ पटाखे का भंडार होता वहाँ दिक्कत है, कई शहरों में हादसे भी हो रहे हैं सर, तो किस तरह की तैयारी रहेंगी, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? ये ऐसा है जी, हमें जैसे हमारा पटाखा स्टॉल में 2 गाड़ियाँ लगा रखी हैं, 12 स्टॉलें लगी हैं आपकी बार, ठीक है, ये NGT का मैटर है, वैसे तो आपको पता ही है सिरसम 12 लगी हैं। तो दिवाली के दिन हम जो है ना पॉइंट बना लेते हैं, जैसे ऑटो मार्केट पटाखा स्टॉल में 2 गाड़ियाँ तो है ही हैं वो तो, उसके बाद सतनाम चौक मेला ग्राउंड में 1 गाड़ी शहर को देखते हुए, उसके बाद डिंग रोड एरिया दूर की वजह से, उसके बाद नाथुसरी चौंपटा बस स्टैंड और 1 सिटी थाना या लाल बत्ती चौंक जो भी है, मतलब गाड़ियाँ एक लगा देते हैं दिवाली वाले दिन, अगर कोई हादसा ना हो, हादसा फायर होते ही उसी टाइम कवर कर दे नज़दीक के नज़दीक, मतलब प्रॉपर व्यवस्था की गई, बिल्कुल प्रॉपर है सर, सारा स्टाफ अलर्ट है, छुट्टियाँ रेस्ट सब बंद हैं सरकार के आदेश अनुसार। कितने सर ड्राइवर हैं, टोटल गाड़ी कितनी है, सरकार की सुरक्षा के तहत अगर कोई हादसा होता है दिवाली के दौरान या फटाखा के दौरान शहर में कहीं, तो कितनी गाड़ियाँ ओपन हैं जो यहाँ? 11 गाड़ियाँ बिल्कुल वर्किंग में हैं और जरूरत पड़ने पर हमारे इलाहाबाद भी 7-8 गाड़ियाँ, उनसे भी आप टाई अप कर लेते हैं, तो जैसे अब चौंपटा है इलाहाबाद के लगा देंगे, या जैसे भी हमने शहर कवर करना होता है पूरा, इसमें कोई ऐसे भी किसी प्रकार की हम वो नहीं छोड़ते, दिवाली के ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई हादसा हो मतलब किसी प्रकार की फिर दिक्कत ना आए, हम पूरे मुस्तैद से सारा स्टाफ सब बिल्कुल। आम जनता को आम जनता का यही संदेश है जी, देखो अगर भाई जो है ना पटाखे अकेले बच्चों को न चलाने दे, माँ बाप खड़े हों साथ और खुले स्थान पर पटाखे जलाएं, कोई ऐसी लापरवाही ना करे फिर बड़ा हादसा हो जाए, तो यही है लोगों के लिए तो हिदायत। किसानों द्वारा पराली भी जलाई जा रही है प्रदूषण को लेकर, हाँ किसान भी जलाते हैं जी पराली, अब ये वैसे एग्रीकल्चर की ड्यूटी लगा रखी है और हमारे पास भी कॉल आ जाती है, एग्रीकल्चर वाले डॉक्टर वगैरह उसी टाइम पहुंच जाते हैं, एरिया वाइज के हिसाब से जो है ना उसी टाइम पहुंच जाते हैं और केस भी दर्ज होते हैं सर, तो ये पराली का तो हमारे पास तो मैसेज आता है, गाड़ी आग तो बुझानी पड़ती है, परंतु फिर भी केस का दर्ज करना उनका पुलिस का या एग्रीकल्चर वालों का काम है। कितनी मजबूत गाड़ियाँ हैं जो आपके हैं मौके पर? यहाँ 11 गाड़ियाँ सर, 11 कर्मचारी बिल्कुल ओके है सर, 60 आदमी स्टाफ लगभग बता दिया मैंने, 59 आधे आधे बांट दिए 12-12 घंटे और सभी की छुट्टी रेस्ट बिल्कुल बंद है, हम इसमें कोई लापरवाही नहीं करते।